यस सर, मेरा वोट वापस कर दो, मेरा वोट वापस कर दो, मेरा वोट वापस कर दो। मेरी फर्स्ट फिल्म बन रही है और मूवी का नाम है मेरा वोट वापस दो। तो इसी फिल्म के लिए आज गाना रिकॉर्ड हुआ है जो बहुत बेहतरीन फिल्म में गाना है, सब लोग सुनेंगे इसको। गाना काफी पॉलिटिकल लग रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर है या मतलब करप्शन के ऊपर है जनता के लिए? बेसिकली करप्शन जो पॉलिटिकल करप्शन होता है उस बेस पे है, किसी पार्टी बेस पे नहीं, किसी पे पॉलिटिकल जो करप्शन दुनिया भर में क्या है, कैसे कैसे सब समस्या सब पॉलिटिक्स पे बढ़ती जा रही है उस विषय पे है, और किसी को टारगेट या किसी पार्टी को टारगेट वाला हमें करना हमारा मकसद नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको गाना कितना मतलब ब्रीफ किया गया था कि पॉलिटिकल गाना है, इस तरीके से करना है? ये नागेंद्र जी इसके प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, और ये मुझे करीब 2-3 साल से फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी, पर पिक्चर की बात नहीं होती थी, कुछ गानों की बात होती थी। फिर इनके ख्याल में जैसे बताते हैं कि आया कि भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ तो ये गाना मैं दत्ता साहब को दूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया, मीटिंग हुई, फिर मैंने सारा डिस्क्रिप्शन समझा गाना, फिर इन्होंने लिखा था उसको भी मैंने देखा और मैंने गाना बनाया। आज जो है ये सना में इसका नाम स्पेस हो गया। तो मैंने ये मेरे इसमें एक मेरा शिष्य है सौरभ तिवारी और दूसरा ये है मिनल रॉय करके जो दिल्ली से आया चंद दिन में उसको, पर इसकी तारीफ मैंने सुनी थी, फिर इसने गाने भी भेजे थे मुझे। तो मैंने फिर नागेंद्र जी ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, बच्चों को चांस दो, आगे बढ़ाओ इनको और ये ही आगे जाकर मैंने क्या कहते बड़े सिंगर बनेंगे। मैंने फिर इनको इस पर में बुलाया और इन्होंने गाया जो सबको अच्छा लग रहा है, यही कहानी है। करप्शन ज़्यादा हुआ आपके साथ? पॉलिटिक्स पॉलिटिकल बेस कहानी है, तो हमने सोचा कि इस टाइटल पे रहेगा तो पब्लिक को टाइटल से ही पता चल जाएगी कि इस फिल्म को देखना चाहिए, कि सभी तो पॉलिटिकल करप्शन से परेशान हैं, तो कुछ इससे फिल्म में उनको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या अभी सब चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो उसी सिलसिले में है। और फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा पूरी कहानी। फिल्म कंप्लीट है? फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्दी जस्ट रिलीज होगी। आपसे जानना चाहिए, आपने गाना गाया कैसा लगा आपको? नमस्कार, मैं हूँ मिरन रॉय और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिलीप दत्ता सर का, जिन्होंने जिनको मुझ पर बिलीव हुआ और मुझे ये गाना दिया, नरेंद्र सर का थैंक यू सो मच सर। और स्पेशली कहना चाहूँगा गाना बहुत ही अच्छा है और पॉलिटिकल पूरे वर्डिंग्स है, लेकिन गाना सुनने में इतना कैची है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना बना है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से जुड़ के। और थैंक यू वंस अगेन दिलीप सर, आपके बाकी जितना भी थैंक यू बोलो कम है, आपने मुझे चुना और उस लायक समझा कि मैं गाना गा सकूं। टीटर प्रोड्यूसर दोनों और दत्ता जी ने बुलाया कि प्रोड्यूसर ये पिक्चर बनाई है, जाके हम लोग इसको सहयोग करने के लिए आए कि हम कभी तो इसमें रिलीज करें तो अच्छे ढंग से रिलीज कर सकें और अच्छी पिक्चर बन सके। सबसे पहले आई थिंक मैं दिलीप सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, इनके साथ मेरा तीसरा गाना है और जैसा मिलन जी ने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गाना है, कैची गाना है, उसमें हम लोग कह नहीं सकते गाना ख़राब है, आप सब लोग सुन रहे हैं कितने अच्छा गीत है और सर ने काफ़ी अच्छा लिखा भी है इसको, और आज की जो हमारी सच्चाई है पॉलिटिक्स की उस पर गाना लिखा हुआ है, तो कोई भी इसको नकार नहीं सकता कि गाना में कोई सच्चाई नहीं है, पूरा जो होता है एक्चुअल वही वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। गाना काफ़ी खूबसूरत है और जो मूवी है उसके साथ काफ़ी सूट होने वाला है और हम लोग आई थिंक दिलीप सर के कॉम्पोजिशन में मतलब इसको काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं और फिल्म भी काफ़ी हिट होने वाली है। थैंक यू सो मच। मैसेज क्या है, जनता को लालच देके जिस तरह से आज की सियासत में लोग अपना मकसद पूरा करते हैं, तो नेता लोग जो है पहले जो नेता हुआ करते थे जिनको हम नेता बोलते थे
वो नेता आजकल नहीं है, ये सब सौदा दुनिया में चल रहा है, गरीब को पता ही नहीं चलता है, अवेयरनेस है ही नहीं उसको कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किससे हमें क्या आगे बढ़िए। ये आते हैं अपना हाथ पर जोड़ते हैं जैसे उन्होंने लिखा और फिर फुल हो जाते हैं, और जो फुल हो जाते हैं उसके बाद फिर जनता जो पिसती है। तो इस तरह से ये सर्कल बंद होना चाहिए, अभी ये सर्कल सही नहीं है। हर माँ बाप को चाहिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उनको इस लायक बनाए। ये समाज में इतना गंदा क्या कहते व्यापार चल रहा है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता सर। कि जब हम अपना नेता चुने तो जरूर देखें कि वो कितना पढ़ा लिखा है और क्या क्या उसके पिछले रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए कि सच में ऐसा नहीं कुछ करेगा कि हम वोट दे के उसे पछताए रहा है। तो हम जब भी वोट देने जाते हैं तो कोशिश है कि भाई उनको वोट दें जिसके बारे में हम जानते हैं, कल को कहीं से प्लाटेड होके आ जाए और खड़े होके तुरंत वोट मांगे तो हम तुरंत वोट देते हैं, ये ठीक बात नहीं। हमें तो अपना नेता चुनते हैं तो बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे 5 साल हमारे सर पे बैठे रहेंगे और करप्शन करते रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ पे कुछ वोटर्स के हाथ कुछ बचता नहीं कि उनको कैसे हम समझाएं, क्योंकि वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हमारे हमारे बस पे वो रह नहीं सकते। तो कोशिश करना चाहिए कि अच्छे नेता चुने जिससे कि वो हमारे समाज का कल्याण करने के लिए सुटेबल हो, अदरवाइज तो नेता तो सब आते हैं जाते रहते हैं। मकसद तो सिर्फ पॉलिटिक्स आजकल समाज सेवा नहीं बना है, सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता बन गया है। तभी तो बाप बनता है नेता, उसका बेटी बन जाती है, उसकी पत्नी बन जाती है, तो ये सब क्या हो उसकी एक धंधा बना लिया है। इसके लिए थोड़ा सा वोटर्स को चाहिए कि अच्छा नेता चुने और अपने वोट को बर्बाद ना होने दे, ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि वो लास्ट में बोले कि मैं मेरा वोट वापस दो।